जिसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। तो और क्या चल रहा है भाई लोग, कैसे चल रहा हो? तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अभी तक हमारे द नेक्स्ट लेवल सिंगिंग के सीरीज में सिर्फ और सिर्फ सिंगर्स पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज एक रैपर ने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और जिसकी शक्ल सेम टू सेम हागे मारू से मिलती है। ये किस बच्चे का डेस्क पड़ा हुआ है यहाँ? मैम ये हागे मारू का है। दिन भर अपने डेस्क को तबले की तरह बजाते हो और बाद में फेंक देते हो। मिलती है ना तो चलो मिल के बनाते हैं बोटी। तू क्या है? मैंने ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, आज मेरे यार बड़े बड़े एक्टर, वैसे बॉलीवुड में मेरी रेगुलर पिक्चर है। क्या बॉलीवुड में? क्या बॉलीवुड में मेरी रेगुलर पिक्चर है? पिक्चर है, इतनी सारी पिक्चरें आती हैं, उसके बाद भी रोड पे खड़े होकर शूट कर रहा है। ओ भाई साहब, ये क्या बोल रहा है? इसकी बॉलीवुड में क्या आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिडिल क्लास बॉय, आज सुपरस्टार है, चारे में घूमे और चारे बड़ी बड़ी कार है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। भाई साहब, तेरे पास घूमने फिरने को चार बड़ी कार है तो ये हैरी पॉटर के झाड़ू को लेके क्यों घूम रहा है यार? इसको लौटा दे भाई, लौटा दे, उसको घर की सफाई करनी है। इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप, इसे कहते हैं हिप हॉप हिप हॉप। भाई साहब देखो, एक बार को इस बंदे का गाना सहन किया जा सकता है, लेकिन इस हैरी पॉटर के झाड़ू को किसी कीमत पे भी नहीं। ना 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 ना। भाई साहब, जब से गाना स्टार्ट हुआ एक मिनट के लिए भी नहीं रुका है। क्या तकलीफ है तेरे को भाई, क्यों इतना उछल रहा है? किसी ने तेरे पिछवाड़े में मिक्सर ग्राइंडर फिक्स कर दिया है क्या जो इतना उछल रहा है? और मुझे ये बता दे कि तू माइलेज कितने का देता है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हद है यार। और अगर आपको लग रहा है कि ये भाई साहब सिर्फ रैप करते हैं तो आप गलत फहमी में हो, ये भाई साहब रैप सिखाते भी हैं, तो चलो हम लोग भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। एट फर्स्ट टाइम जब हम क्लासिकल गाना सीखने जाते हैं स्कूल पर, तब ये वो सर हमको सिखाते हैं सारे गामा पादा नीसा। सर ने सारे गामा पादा नीसा सिखाया, लेकिन इसने सिर्फ पादा सीखा और अपने गाने में हगना शुरू कर दिया विदाउट एनी डायपर, और वो हगा हुआ बह के सीधा डिसलाइक के बटन पे आता है। म्यूजिक एक मिनट, देखो तो टाइटल क्या लिखा है भाई साहब ने, डीजे मिनाल इंटरनेशनल रैप सॉन्ग इंडिपेंडेंट रैपर। भाई साहब देखो, इंडिपेंडेंट वो होता है जो खुल के बोलता है, तेरा मुंह तो पूरा खुलता नहीं है, दांत दबा के तू रैप करता है और अपने आप को बोलता है इंडिपेंडेंट रैपर। बुलाऊं अम्मा को? अम्मा, ए अम्मा, सारे मिल के हमको पागल बना रहे। यो यो, दिस इज रैपर। अब देखो, इसमें यो यो ठीक लगा, डिजिमिनी ज़िपर ठीक लगा, अब क्या बोला इसने इसी को पता, लेकिन चुकु चुकु चुकु, ये क्या था? नहीं नहीं, क्या था ये? व्हाट इज दिस? डीजे मिनाल रैपर हग दिस? अरे दादा, क्या था ये? बहुत गंदा था, तूने मुंह से किया या पिछवाड़े से, ये भी समझ नहीं आया। ये आंखों में देखा जो जो बात करता हूं मैं, और ससुर लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता है। ये वो लौंडा नहीं है जो तेरे साथ पढ़ता है, ये वो लौंडा है जो कहीं नहीं पढ़ा। भाई साहब छठवीं तक स्कूल गया है और स्कूल जाके ऐसी हरकतें करता था। और इसको देख के इसके दोस्त बोलते थे कि तू एक दिन रैपर बनेगा, बनेगा तू एक दिन रैपर, लेकिन केले की फ्लेवर वाली लॉलीपॉप का। नाइस हाइपर नाइस तेरी कर दी है मैनू, आई स्वेयर चोटी जेंस में बम लगती मैनू, ग्रोसी लिप्स ओ ये ट्रिक्स। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा। एक तो इसके जितने भी बैकग्राउंड डांसर है बहुत खतरनाक है, पता नहीं कौन सी चप्पल सूंघ के आते हैं, सुबह से शाम तक नशा चढ़ा रहता है, क्या करना चाहते हैं भगवान ही जाने। अब इसको देखो, यहाँ पे ये करने की क्या जरूरत है, ये अलग पेले हैं, ये अलग पेले हैं, गाने की अलग पिलाई हो ही रही है, मतलब भाई जी हट। What's up, क्या बोले सब लोग, हमें बनता है मालूम है ना, मचाएंगे। मम्मी जल्दी आओ, नहीं तो ये हागे मारू की शक्ल का मेरे साथ मचा देगा। ए, जो नहीं नचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it.
लेट्स डू इट्स आ आ आ आ भाई साहब, पीछे वाला लौंडा तो मुझे बहुत घबराया हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसको लैट्रिन से खींच के लाया हो और बोला हो यहाँ क्या हग रहा है, चल गाने में हगते हैं। बोट हाँ तू लटका के झटका है, चलती है फटका के ज्ञान तेरा, तेरा इस चैनल पर मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई राय नहीं। रहने दे भाई रहने दे, तेरा रैप सुन के तो मैं ओरिजिनल गाने का भी रिदम भूल गया। कैसे था? तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, ऐसे तो नहीं जान दूंगा। और हाँ मन में कुछ कमेंट तो लिख दो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।